नवीन महवा मंडी परिसर में शुक्रवार को जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके संबंध में मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देश पर प्रत्येक माह यह प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे कि लोगों में जैविक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में जैविक उत्पादों से पैदावार किए गए काला नमक, चावल, शुगर फ्री चावल, शहद, चवनप्राश, मसाले, हल्दी सहित अन्य उत्पादों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद पूरी तरह शुद्ध होता है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती और यह सेहत के लिए भी लाभदायक होता है तथा इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने वाले दुकानदारों और मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने कहा, बंट जाइए आप उसे में। अंजलि सहानी, पीआरडीएफ गोरखपुर। आज आप लोगों ने मंडी में प्रदर्शनी लगाई है, जी क्या क्या लाभ होता है? हम यहाँ पे जैविक जो उत्पाद है हमारा उसके बारे में बता रहे हैं और वही हम यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अभी तक जो केमिकल खाते आ रहे हैं उसको ना खाएं, उसकी जगह जैविक उत्पाद खाएं। हमारा फोकस है काला नमक चावल पे। ये काला नमक चावल, इसमें हाई आयरन, हाई जिंक रहता है। इसके अलावा किसी भी चावल में हाई प्रोटीन, जो प्रोटीन की मात्रा है वो 3 से 4% होती है, काला नमक में 7% होती है, जो सब चावलों में अधिक है। इसके अलावा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बताता है कि हम कितना मात्रा में कुछ खाए हैं और उसका शुगर के एब्जॉर्प्शन में हमारे बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ है। तो काला नमक का अगर हम 100 ग्राम चावल खाते हैं तो इसका सिर्फ 51% जो चीनी है वो हमारे बॉडी में जाती है। अगर इसे कोई शुगर का पेशेंट खाता है तो उसे शुगर नहीं होगा, या जिस स्तर पर है वो उसे आगे वो नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास काला नमक शुगर फ्री एस एच भी है और जैविक के साथ साथ उसको शुगर फ्री के पेशेंट्स के लिए भी बनाया गया है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 और 50 के बीच में रखा गया है। इसकी खासियत ये भी कि जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद भी ये मुलायम बना रहता है और बाकी चावलों में एक ऐठन हो जाती है या उसमें स्वाद नहीं आता है, इसमें ठंडा होने पर भी स्वाद बना रहता है। राजू सिंह, जैविक उत्पाद से लगाया जी, इससे क्या क्या लाभ? शहद में तो 100 गुण है, अवगुण है ही नहीं। शहद ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति ने हमें मीठा पदार्थ के रूप में सबसे पहले शहद को ही दिया था। शहद का ही मनुष्य को सेवन करना चाहिए। हाँ, शहद खाने से ये जैविक उत्पाद से आप बता रहे कि लगाया कैसे, मतलब ये जैविक इसलिए जैविक है, ये जिन फसलों पे दवाओं का छिड़काव नहीं हुआ है उस वेल्ट में इसको मधुमक्खियों को लगाया गया है। जैसे यूकेलिप्टस है, आपका सरसों में भी कोई दवा नहीं पड़ती है। हाँ, वैसे फूलों पे लगाया गया है, ऐसे खेत में जहाँ मतलब कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, और शहद तो फूलों से ही पुष्प रस लाती हैं मधुमक्खियाँ और उसको ला करके उसे पका करके शहद बनाती हैं, तो शहद तो अपने आप में ही जैविक होता है। कितना लाभ होगा इन लोगों से जी? इसमें शहद से बहुत ज़्यादा लाभ है, शहद से बढ़िया। आम शहद और जैविक शहद में क्या अंतर है? आम शहद में जो जिन फूलों पे कीटनाशकों का प्रयोग हुआ रहता है वहाँ पहली बात तो हम लोग बक्से लगाते भी नहीं हैं, इसलिए कि कीटनाशकों का जहाँ प्रयोग होता है उससे मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। हाँ, हमारी क्षति होती है, हमारी जो मधुमक्खियों की संख्या वो कम हो जाती है। इस शहद में क्या फ़ायदा है? इस शहद से फायदा यह है कि इससे शरीर में जो है स्फूर्ति बनी रहेगी। जो कोरोना काल में इम्यूनिटी की बात चल रही है तो इम्यूनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। 1 kg शहद में 6,500 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि 1 किलो सेब आप खाएंगे तो 400 कैलोरी मिलेगी। तो आप जोड़े 16 किलो शहद सेब खाएंगे और 1 किलो शहद खाएंगे तो बराबर है। अब उसके उसका दाम जोड़ लीजिए, हमारा शहद मान लीजिए 250 का 1 kg है, 100 रुपये का अगर सेब, तो 1600 का सेब खाएंगे और 250 का शहद खाएंगे। शहद को पचाना भी, उसको पचाना पड़ेगा सेब को,
और शहद को पचाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप पच जाएगा। हमारा नाम राजेश कुमार दुबे है और ये हमारा किसानों का एक संगठन है, सरयू कृपा बायोएनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। सभी रसायन जो हमारे शरीर में आ रहे हैं और हम लोग रोगग्रस्त हो जा रहे हैं, उसके लिए जो है बहुत ही अच्छा है कि उसमें रसायन मुक्त है वो, और इसमें केवल गौ आधारित हम लोग खेती करवाते हैं जिसमें कोई भी रसायन का यूज नहीं किया जाता है। जो अपनी पुरातन पद्धति है जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत और दसवर्णी अर्क वगैरह पेस्टिसाइड का भी यूज़ नहीं करते हैं, दसवर्णी अर्क वगैरह का यूज करके हम लोग जो है ये पैदा करते हैं। ये चंपास लगाइए तो कैसे मतलब जैविक उत्पाद से पैदा होता है? अब ये जो है चंपास जो ये बना हुआ है, इसमें जो हम लोग जड़ी बूटी पैदा कर रहे हैं, इधर आपके उरवा ब्लॉक में भी हम लोग कर रहे हैं, इधर गोला ब्लॉक में भी, बड़ोगंज में भी है, और ये अश्वगंधा हुआ, सतावर हुआ, इसमें कोई केमिकल जो है हम लोग इसमें डालते नहीं हैं, पौधों में। और उसके बाद जब बनाते हैं तो ये पूरी प्राकृतिक जो चरक संहिता उसके हिसाब से ही बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक ये बात यह है कि इसमें घी जो देसी गाय का पड़ा हुआ है और शहद, शुद्ध शहद इसमें डाली जाती है, चीनी की जगह मिश्री का यूज करते हैं। शहद में कितना अंतर है? आम शहद में और इस शहद में क्या लगता है? ये प्राकृतिक शहद है ना, बिल्कुल बाजार से हम लोग नहीं लेते हैं, हमारे राजू सिंह जी हैं उनके साथ जैसे बिल्कुल वही शहद है। ये क्या नाम है? आम च्यवनप्राश। और इसमें ये अंतर है कि इसमें आप 2 दिन भी इसको खाएंगे तो उसके बाद आपको इसका गुण समझ में आ जाएगा। और इसका जो भी है मतलब कि पानी में घोल करके अगर आप पिए तो बुखार उतर जाएगा, 1 चम्मच गुनगुने पानी में, 1 गिलास पानी में इसे घोएंगे बुखार उतर जाएगा आपको। शाम को पिया, सुबह फ्रेश। उसके साथ इसमें जो है हमारी ये जो गुड़ची टी है, इसमें जो चीज़ें गिलोय हमारे यहाँ की है और ये ब्राह्मी और संखपुष्पी उत्तराखंड से मंगाया गया था और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई जहाँ पर ये पैदा होता है वहाँ पर कोई खाद नहीं पड़ती है, कोई रसायन नहीं है, और ये अन्य की तुलना में ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ पे खाद पड़ रही है उसकी तुलना में ये हल्ला गुना बेहतर कर सकते हैं। मैं अंकुश कुमार श्रीवास्तव, मंडी निरीक्षक गोरखपुर। अच्छा, मंडी में प्रदर्शन लगाया गया किस किस चीज़ों को? देखिए, जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मंडी परिषद और शासन की तरफ से ये प्रमोशन के लिए लगाया जाता है, जिससे लोगों के बीच में जैविक उत्पाद जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हों, ये सेहत के लिए भी लाभदायक हैं और इन्हें खाद के मतलब बिना खाद का जो है ये उत्पन्न किया जाता है, खेतों में पैदा किया जाता है, गोबर की खाद या नेचुरल तरीके से। और इसमें चावल है आपकी और शहद भी है, कई प्रोडक्ट मसाले हैं और ये सब चीज़ें हैं जो सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, और जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो इस संबंध में और ज़्यादा इनका प्रयोग करें, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में इनको लगाया जाता है।